नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माया क्रिएशंस में। और हम आपको यहाँ पे आज वीडियो बना दिखाने जा रहे हैं, जो थ्री साइड स्लिट जो हम सूट बना रहे हैं, ज़्यादातर लहंगे वगैरह पे भी यूज़ होता है लॉन्ग कुर्ती टाइप का। तो ये घेरा वाला है और ये ऊपर से सूट की तरह रहेगा, जो कि प्रिंसेस कट में रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कपड़ा ऑलरेडी लाया हुआ है, 2 मीटर है हमारा कपड़ा ये। तो इसे हमने 4 बार फोल्ड कर दिया है। तो हमारी चेस्ट साइज़ है 38 की और जो लंबाई है वो हमने ली है, हमारी लंबाई हमने ये फुल अर्ज रखी है कपड़े की, जो कि 42 है। तो अगर आपको लंबाई लेंथ चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग रख लें, जितनी आपको चाहिए उसमें आप 2 इंच प्लस करके बढ़ा के कपड़ा रख लें। तो हमने तो ये फुल रखी है और यहाँ पे 16.5 इंच हमने नापा है ये 4 बार फोल्ड करके, क्योंकि हमें घेरा जितना आपको घेरा रखना हो अम्ब्रेले की तरह, तो आप घेरा उसी हिसाब से लें। तो यहाँ पे 16.5 इंच यानी कि लगभग 33 इंच एक तरफ का घेरा होगा और पीछे का मिला के, क्योंकि दोनों साइड से ज्वाइंट रहेगा और सामने से खुला रहेगा। तो बस ये हमने 4 बार फोल्ड करके 16.5 इंच मेजर कर लिया है, देखिए 16.5 इंच। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक हम शोल्डर की, तो यहाँ पे शोल्डर हम 6.5 इंच लेंगे और आर्म होल भी हम लेंगे लगभग 6.5 इंच। ये हमारे चेस्ट की मार्किंग हो गई, तो 38 का है चेस्ट, तो हम लगभग 12 इंच ले रहे हैं चौथाई में। कपड़ा थोड़ा बचा के उसमें हम रखेंगे मार्जिन। और यहाँ पे आगे का गला 6 इंच, फ्रंट का गला 6 इंच से ज़्यादा ना लें, नहीं तो ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो 6 इंच रखें आगे का गला। और ये पीछे के गले का मार्किंग है जो कि 9 इंच है। तो हमने यहाँ पे चौकोर गला ही बनाया है आगे भी और पीछे भी। तो हमने मार्किंग एक ही साइड में कर ली है, लेकिन हम कटिंग के वक्त इसका ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमने फुल आर्म होल लेंथ कर लिया है, तो यहाँ पे लगभग 11 इंच है, तो हम 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 5.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ ऊपर में हम टेप रखेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पे। अगर आपकी हाइट लंबी है तो आप लगभग 11.5 इंच पे करें, नॉर्मल है तो 10 इंच से लेकर के आप 12.5 के बीच में कभी कहीं भी कर सकते हैं। और 12.5 ज़्यादा लंबी हाइट के लिए है और 10 इंच 10.5 इंच नॉर्मल है। तो 10 इंच से स्टार्ट करके आप मार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ऐसे इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे जो कि प्रिंसेस कट की डिज़ाइन में होगा। और यहाँ पे 15 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, ऊपर से 15 इंच पे। और यहाँ पे घेरा हमको बगल से कट नहीं करना है, तो हम फुल घेरा ले लेंगे। ये 15 इंच पे मार्किंग हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से फिटिंग रहेगा और यहाँ के बाद जो है वो घेरा हमारा शुरू हो जाएगा। तो हमने 15 इंच रखा है, आप 16 भी रख सकते हैं और 14 भी रख सकते हैं। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप 14 इंच पे रखें, बड़ी है तो 16 इंच पे रखें। यहाँ पे स्केल से बस हम इस लाइन को ड्रॉ करते हुए नीचे तक ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा कट जो है 2 साइड में बीच से लगेगा, तो ये हमारा प्रिंसेस कट हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको साइड में ओपन स्लिट वाला बनाना हो, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रिंसेस कट में ही कटिंग करें सूट को। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये देख सकते हैं आप, हो गया हमारा कटिंग। तो हम स्टिचिंग के वक्त ऐसे ही इसे ज्वाइंट करेंगे। तो इसके नीचे हम अस्तर का कपड़ा भी डालेंगे, इसलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम मार्किंग कर ले रहे हैं 20 इंच पे, क्योंकि यहाँ से हम कट लगाएंगे अपना, ओपन रखेंगे। तो 20 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। तो जब हम ज्वाइंट करेंगे तो इसके नीचे हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे। तो हम सेम टू सेम जैसे हमारा ये कटिंग है उसको रख के हम उसको अस्तर कटिंग भी कर लेंगे। और ये हो गया हमारा आस्तीन जो बाकी था, वो हम आस्तीन यहाँ पे पहले कटिंग कर लेंगे। तो आस्तीन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे 7 इंच है लंबाई आस्तीन की, तो एक तरफ हम लेंगे 3.5 इंच। कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। यहाँ पे 3.5 इंच है और इसको हम ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा आस्तीन की कटिंग भी हो गया। हमें छोटा ही आस्तीन बनाना है, अगर आपको बड़ा बनाना है या 3/4 तो आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कटिंग कंप्लीट। तो इसी हिसाब से हम अपने अस्तर का कपड़ा भी इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। तो वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया है, तो आप अस्तर की भी कटिंग ऐसे ही कर लें। तो इसकी सिलाई की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में 5 सेकेंड में मैं डालती हूँ। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको लिंक वहाँ से मिल जाएगी। उसकी स्टिचिंग पार्ट की वीडियो भी